पंजाबी बजीर पैरट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब मादा अंडे देने वाली होती है या जब मादा अंडे देना शुरू कर देती है तो आपको बगैर मट्टी के अंदर झांके या बॉक्स को खोले बगैर आप कैसे जान सकते हैं कि मादा ने अंडे दे दिए हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बार बार मटकी में देखते हैं या बॉक्स खोलकर देखते हैं कि मादा ने अंडे दे दिए हैं या नहीं, और उसके बाद वो अंडे भी दे देती है, तो अक्सर देखने में आया है कि मादा अपने अंडे उठाकर बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें बल्कि पूरी वीडियो देखें। इस तरह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर भाई ये सवाल करते रहते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहते हैं कि हमें बताएं कि मादा ने जब अंडे देने होते हैं या मादा जब अंडे दे देती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मादा अंडे देने वाली है या दे चुकी है। क्योंकि अगर हम बार बार मटकी खोल कर देखते हैं तो मादा कुछ दिन के बाद अंडे बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिनकी वजह से आप बगैर मटकी के अंदर झांके या बॉक्स को खोले बगैर ये जान सकेंगे कि मादा ने अंडे दे दिए हैं या अभी मादा अंडे देने वाली है। दोस्तों, आप जब भी अपने पैर को देखें कि वो मेटिंग कर रहे हैं तो उसके 2 या 3 दिन के बाद मादा आमतौर पर अंडे दे देती है। जब वो एक अंडा देती है तो आमतौर पर देखने में आया है कि वो मटकी में जाकर नहीं बैठती, लेकिन जैसे ही वो अगले दिन या उससे अगले दिन और अंडा दे देती है तो मादा मटकी में बैठना शुरू कर देती है। वो मटकी से बहुत कम बाहर निकलती है, सिर्फ दाना वगैरह खाने के लिए कभी कभार बाहर आती है। ऐसी हालत में नर उसको दाना वगैरह मुहैया करता है। दोस्तों, एक और बड़ी निशानी जिसका आप मुशाहदा कर सकते हैं वो ये है कि जब मादा अंडे दे चुकी होती है, क्योंकि वो सारा दिन मटकी में बैठी रहती है और उसको दाना वगैरह नर मुहैया करता रहता है, तो जब वो बीट वगैरह करने के लिए बाहर आती है तो वो आम रूटीन में छोटी बीट करती है, लेकिन जब वो अंडों के ऊपर बैठी हुई होती है तो उस वक्त बहुत बड़ी बीट करती है और आम तौर पर एक ही जगह पर वो बीट करती है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मादा अंडों के ऊपर बैठी हुई है। ऐसी हालत में आपको चाहिए कि मटकी में मत झांके, मादा को बिल्कुल प्राइवेसी दें और सब्र का मुजाहरा करें। एक और निशानी ये है कि जब मादा अंडे देने वाली होती है या अंडे दे चुकी होती है तो उस वक्त उसकी चोंच का रंग बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। आम हालत में ये तकरीबन सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन अंडे देने के वक्त ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो जाता है। अगर के कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि अंडे देने के वक्त मादा की चोंच का रंग तब्दील हो जाता है, लेकिन ये मेरे मुशाहदे में भी बात आई है कि अक्सर फीमेल का रंग ब्राउन हो जाता है। जब वो अंडे दे देती हैं तो उनकी चोंच का रंग काफ़ी ब्राउन हो जाता है। तो ये भी एक वाजे निशानी है कि मादा ने अंडे दे दिए हैं। दोस्तों, मादा अंडे देने वाली है या दे रही है या दे चुकी है, तो इसकी एक और निशानी ये भी है कि आप देखेंगे कि मादा की जो पीठ है वो काफ़ी मोटी सी आपको नज़र आएगी, वो आपको नीचे लटकी हुई और बड़ी हुई नज़र आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि उस जगह से उसके पर वगैरह काफ़ी झड़ चुके होंगे, क्योंकि वो हिस्सा मटकी में नीचे ज़्यादा देर लगता है, इसलिए वहाँ से पर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। और वो भाई जो अक्सर शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके परिंदे अंडे बाहर फेंक देते हैं, तो आज की वीडियो देखकर उनका ये मसला भी हल हो गया होगा। दोस्तों, अगर आप इन बातों का गौर से मुशाहदा करेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो आपके बजीर कभी भी अपने अंडे बाहर नहीं फेंकेंगे। देखें, परिंदों को तन्हाई दें, उनके साथ ज्यादा छेड़खानी मत करें। आप जितनी ज्यादा उनके साथ छेड़खानी करेंगे तो वो ब्रीड की तरफ नहीं जाएंगे। खास तौर पर जो नए जोड़े होते हैं, जो पहली बार ब्रीड कर रहे होते हैं, उनको आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि इससे परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है। वो ये समझने लगता है कि अगर मैंने अंडे दे दिए और उनसे बच्चे निकल आए तो मेरे बच्चे इस जगह महफूज नहीं है। तो आपने कभी भी नए जोड़ों के बॉक्सेस वगैरह में या मटकी वगैरह में झांक कर ये नहीं देखना कि उन्होंने अंडे दे दिए हैं या नहीं। आप इन बातों पर गौर से अमल करें, इंशाल्लाह आपके बजीर अंडे ज़ाया नहीं करेंगे और आप अच्छी खासी ब्रीड हासिल करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।